हेलो फ्रेंड्स, आज हम विटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए, विटिक रिएक्शन जो थी वो सबसे पहले जॉर्ज विटिक ने डिस्कवर की थी 1954 में, और उन्होंने इसके लिए 1979 में नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला था। और ये जो विटिक रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली रिएक्शन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो विटिक रिएक्शन है वो बनती कैसे है। विटिक रिएक्शन को बनने में क्या होता है कि सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका रिएक्शन करवाया जाता है ट्री फिनाइल फॉस्फोरियम यील्ड के साथ। ठीक है, जो कि फिर बनाता है एल्कीन्स। और एल्कीन के साथ साथ वो बनाता है ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। ठीक है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब करवाते हैं ट्री फिनाइल फॉस्फोरियम यील्ड के साथ, तो जो कि एक एल्कीन बनाता है जो कि मेन प्रोडक्ट है, और साथ में बनाता है ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। अब देखिए होता कैसे किया। सबसे पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पर मैं लेती हूँ कीटोन का, कीटोन क्या है तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, यहाँ पर एच लगा दो क्या एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का हमने रिएक्शन करवाया ट्री फिनाइल फॉस्फोरियम यील्ड के साथ। किस तरीके से होएगा, R2CpC6H5 का होल थ्राइस। ये होता है ट्री फिनाइल फॉस्फोरियम यील्ड, और खाली यील्ड भी इसको लिख देते हैं। इसकी हमने रिएक्शन करवाई यहाँ पर ड्राई एथर के प्रेजेंस में, यहाँ पर ड्राई एथर भी लिखेगा, ड्राई एथर के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवा दी। तो जो कि बना देगा एल्कीन, एल्कीन बन गया, और साथ में बना रहा है ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड जो कि है C6H5 का होल थ्राइस पी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या है, ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। एक कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट करवाया R2CP66H5 का होल थ्राइस से, यानी यील्ड से, जिसने एल्कीन बनाया और फिर बना दिया ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से भी करके दिखा देती हूँ इसको, कि देखो हमने लिया यहाँ पर एसीटोन ले लिया हमने, एक एग्जांपल में हमने ले लिया एसीटोन। इसका रिएक्शन करवाया हमने, यहाँ पर जो आर लिया था ना, आर की जगह लिख देते हैं हम एच, बाकी सब सेम लिखा जाएगा। अब क्या करा इसने, ड्राई एथर की प्रेजेंस में यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ, बनेगा क्या यहाँ पर CH3
CH3 और डबल बॉन्ड सी ये वाला H2, ठीक है। साथ में क्या बना, C6H5 का होल थ्राइस, दिस इज 6, ये डबल बॉन्ड, ओ वो तो सेम ही रहा, ठीक है, जो यहाँ बनना था वही बन गया। ये क्या है, 3-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये विटिग रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म उसमें पूछा जाता है विटिग रिएक्शन बताओ और साथ में मैकेनिज्म बताओ, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर का है और अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म इसका जो है दो स्टेप में डिवाइड है। सबसे पहले जाओ स्टेप वन देखते हैं हम। स्टेप वन में क्या है कि सबसे पहले हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ये तो होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड है, ठीक। कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। अब कार्बोनिल कंपाउंड में जो ये ओ है वो यहाँ पर अपना ब्रेक कर लेगा बॉन्ड, और जिसकी वजह से यहाँ पर ओ नेगेटिव आ जाएगा। साथ में हमने लिया था, और जब ये ओ नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा सी पॉजिटिव। अब साथ में हमने क्या लिया था, यील्ड लिया था R2C P C6H5 का होल थ्राइस, ये था यील्ड। इसमें जो ये सी वाला है ये माइनस में है और ये प्लस का है चार्ज, इस पे फॉस्फरस पे प्लस का चार्ज है, कार्बन पे माइनस का चार्ज है। तो जो माइनस का चार्ज है वो कार्बन के प्लस के चार्ज पर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सी, ये ओ निगेटिव का चार्ज, और बन जाएगा R2C, यहाँ पर कार्बन से जो ये जुड़ गया है आकर, फिर P C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है। और इसको बोला जाता है बीटेन। यानी कार्बन के बॉन्ड में जो यील्ड का बॉन्ड है वो आकर जुड़ गया, जिसने बना लिया बीटेन, ठीक है। निगेटिव कार्बन जो है यील्ड मॉलिक्यूल का, उसने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, जिसकी वजह से क्या बन गया, बीटेन बन गया। नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टेप नंबर सेकंड। अब क्या हुआ, जो बीटेन है उसने एलिमिनेट किया ट्रिफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड को, जिसकी वजह से एल्कीन बना। कैसे हुआ, जो यहाँ पर बीटेन फॉर्म हुआ है, ये वाला जो बीटेन फॉर्म हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं, पहले बीटेन लिख लेते हैं पूरा, अब जिस ये फॉर्म हुआ है इसने एलिमिनेट कर दिया ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड को, यहाँ से इसने फॉस्फरस को तोड़ा, कार्बन इधर ये चला गया, यहाँ से ऑक्सीजन का एक और टूटा, ये भी टूट गया यहाँ से। ये दोनों जब टूट गए तो फिर फॉर्म क्या हुए भाई, ये दोनों टूट गए, यहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये टूटा, ये दोनों टूट गए तो इन्होंने फॉर्म क्या कर दिया, यहाँ पर एल्कीन फॉर्म किया। एल्कीन क्या था देखो, अब क्या हुआ, यहाँ से तो ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ पर माइनस का चार्ज आ गया था, यहाँ पर प्लस का चार्ज था, जो प्लस वाला था वो उसने अपना बॉन्ड इधर को दे दिया, ठीक है। जब इसने अपना बॉन्ड इधर दे दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो सी यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड CR2, समझ में आ गया। कार्बोनिल के प्लस वाले ने अपना बॉन्ड यहाँ पर दे दिया, डबल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से बन गया यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कीन का।
और साथ में जो प्रोडक्ट टूटा वो बन क्या बन गया, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना नया टूट कर वो बना ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। कैसे बना यहाँ पर देखो, पहले लिखते हैं हम C6H5 का होल थ्राइस जो कि ये वाला है, फिर फिनाइल का पी, यहाँ से ऑक्सीजन टूटा है, यहाँ से भी ये दोनों टूट गए हैं बॉन्ड, तो जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर डबल चार्ज है, ऑक्सीजन ने अपना डबल चार्ज यहाँ पर दिया जिसकी वजह से बन गया ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। लिख लेते हैं ट्री फिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड, और ये क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पर, एल्कीन फॉर्म हुआ है। तो ये इसका मैकेनिज्म है और ये विटिक रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी विटिक रिएक्शन। आप मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आई होप सब लोगों को अब समझ में आ चुकी होगी, और ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है BSc सेकेंड ईयर की। तो फिर मिलते हैं किसी नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।